कुबेरेश्वर धाम सीहोर जा रहे हैं बस से। सुबह 10:10 पर बस में बैठे। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं, ये रोड पर हूँ अभी और सीहोर आया था मैं आज कुबेरेश्वर धाम। तो दर्शन हो गए हैं और दर्शन कर अब मैं लौट कर घर जा रहा हूँ। 7:53 हो रहे हैं बस पकड़ने के लिए। अभी कम से कम 10 या 15 पैदल चलना पड़ेगा बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए, और शाम के टाइम है तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस साइड देखिए लाइन से बिल्कुल पूरी, 1 भी फ्री नहीं है रोड। तो दोस्तों मैं तो अब दर्शन करके घर जा रहा हूँ कुबेरेश्वर धाम के। आप लोग भी कुबेरेश्वर धाम जाइए और दर्शन करिए वहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ आजकल ये है कि रुद्राक्ष वितरण जो है वो चालू हो चुका है। और साथ ही साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आप जब भी जाएं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम तो सुबह जल्दी निकलें। सुबह जल्दी का मतलब है सुबह 6 निकल ही जाएं, नहीं तो आप लेट हो जाओगे तो पूरे दिन लाइनों में लगे रहोगे। इतनी ज़्यादा भीड़ है देख सकते हैं। आज मैं पहुंचा तो 3 लंबा जाम लगा था आज कुबेरेश्वर धाम का जो हाईवे है ना उस पर, इंदौर की साइड पर। कुबेरेश्वर धाम जरूर जाएं, महादेव के दर्शन जरूर करें और रुद्राक्ष भी लेकर आएं। पर मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि टाइम से पहले जाएं, मतलब सुबह 6 आप कहीं से भी जाएं, मान के चलिए नर्मदापुरम या सीहोर के आसपास से, तो सुबह 6 निकले जिससे कि आप 10 तक फ्री हो जाएं। जब मैं गया था तो आज सुबह मैं 10 पहुंचा तो ये समझिए 3 तक लाइन में लगा रहा। देखते हैं एक आध ऑटो वाले को रोक कर, अगर रुक जाता है तो ठीक है। देखो ऑटो वाले भी रुकने को तैयार नहीं है, ये देखो वो चले गए। ज़्यादा लेट हो जाओगे तो ये कंडीशन आपको भुगतना ही पड़ेगी। 8 वाले हैं, मैं लेट हो गया तो अब मैं क्या करूँ यार, कर रहा हूँ इंतज़ार बस आ जाए या ऑटो मिल जाए। दोस्तों सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में दिल से बोलूँगा आप लोग सभी ज़रूर जाएं कुबेरेश्वर धाम सीहोर, परंतु सुबह जल्दी उठें और सुबह 6 अपने जहाँ भी आप स्थान से जा रहे हैं निकल जाएं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। अब मैं आया था तो देखो मैं अभी रोड पर खड़ा हूँ, 8 वाले हैं ऑटो या बस के इंतज़ार में। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि शिवरात्रि है ना दोस्तों 18 को, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो आप लोग टाइम की बचत करने के लिए जल्दी जाएं और टाइम से पहुंचें और जल्दी फ्री हो जाएं। रुद्राक्ष मिलना चालू हो गए हैं और दिव्य दर्शन करिए कुबेरेश्वर धाम के, और अपने दोस्त को लाइक शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। सर्दी हो गई यार, तो मैं तो आज दर्शन कराया, आप लोग कब जाएंगे? आशा करते हैं सभी लोग जाएंगे और कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करेंगे, रुद्राक्ष भी सभी लेकर आएंगे। तो अब आ गई है बस, शायद ये रुक जाए। अरे ये भी दूसरी जगह की थी यार, ये भी नहीं रुकी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी आएगी, दूसरी का इंतज़ार करेंगे। बस भी नहीं रुक रही यार इस समय तो। वो देखो वो निकल गई, वो जा रही है। ऐसा होता है जब अपन लेट हो जाते हैं, और ऑटो में भी जगह नहीं है, खचा खच भरे हैं। देखो ऊपर सामान रखा है इस पर, ये देखो। चलो ठीक है, तो दोस्तों अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। रुद्राक्ष वितरण चालू हो चुका है और रुद्राक्ष लेकर आएं और भगवान शिव शंकर के दर्शन भी कर आएं। ऑटो और बस रुकने को तैयार नहीं है, ये देखो ये निकल गई, तो इसलिए सोच समझ कर जाना भाई, पैदल जाओ या बस से जाओ, तो नहीं तो मेरे जैसे हाथ देते रह जाओगे और ऑटो और बस रुकेंगी नहीं, फिर बाद में मत बोलना कि ये क्या हुआ। वीडियो देखकर लाइक शेयर जरूर करें। और चलो भाई बस ने उतार दिया, पूरा 1:20 लगे, रुकते रुकते आई और
इतनी ज़्यादा भीड़ थी बस में कि बता नहीं सकता हूँ। ये देखो थोड़ा क्या है, रोशनी गड़बड़ है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा अपनी बाइक से जाना यार, जब भी जाओ। हाँ, बाइक से जाना और साथ में टाइम से जाना, क्योंकि टाइम बहुत मायने रखता है, और जल्दी फ्री हो जाओगे सुबह, जल्दी जाओगे तो आप लोग जल्दी फ्री हो जाओगे, इसलिए और कुछ नहीं है। अब मैं तो पहुंचने ही वाला हूँ, बस 10 मिनट में बस ने उतार दिया, फिर भी 9:30 होने वाले हैं। ये देखो पीछे कितनी प्यारी TVS की गाड़ियाँ रखी हैं, अपाची RTR 155। चलो ठीक है, सभी को बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जगह के साथ।